मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी, नौजवान देख लीजिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये मोदी आपकी सबसे बड़ी गारंटी है। अरे मोदी से बढ़कर और गारंटी क्या होती है? बिना गारंटी आप मुद्रा योजना से, बैंक से पहले 10 लाख रुपया मिलता था, अब मोदी ने इसको 20 लाख कर दिया है। आप अपना धंधा शुरू कर सकते हैं, यानी ओडिशा के नौजवानों को यहां अपना काम करना करने के लिए टूरिज्म सेक्टर में स्वरोजगार के लिए 20 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी। साथियों, भाजपा सरकार किसानों के हितों की भी सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उड़ीसा भाजपा ने भी किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है, 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी और 48 घंटे के भीतर आपके खाते में पैसा जमा। इससे यहां के हमारे किसान परिवारों को बहुत मदद मिलेगी। यहां कंधमाल की हल्दी भी तो बहुत मशहूर है। केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने कंधमाल हल्दी को जीआई टैग दिया है, लेकिन साथियों, यहाँ की नवीन बाबू की बीजेडी सरकार ने हल्दी किसानों को भी बेहाल रखा है। यहाँ पर्याप्त भंडारण की सुविधाएं नहीं है, इसलिए उड़ीसा भाजपा ने कंधमाल में मसाला पार्क बनाने की घोषणा की है। आपके कंधमाल में बनेगा। भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का भी गठन किया है। साथियों, मोदी उनको पूजता है जिनको किसी ने नहीं पूछा। यहां डोकरा और बांस की कलाकारी से जुड़े विश्वकर्मा साथी रहते हैं, इनके लिए मोदी सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए की पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई है। यहाँ की भुइयां, भुंजियां, बोंडो पोराजा और मनकरडिया जैसी अति पिछड़ी जनजातियों की सूद भी किसी ने नहीं ली थी। पहली बार इनके लिए मोदी ने 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना बनाई है। और आप जानते हैं ये योजना किसके कहने पर बनी? हमारी राष्ट्रपति और उड़ीसा की बेटी द्रौपदी मुर्मू के मार्गदर्शन में इस योजना ने आकार लिया है। हमारी राष्ट्रपति पर आज पूरे देश को गर्व है, कंधमाल को तो गर्व होता ही होगा। साथियों, बीजेडी और कांग्रेस ने कंधमाल को पिछड़ा जिला घोषित कर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया था। मोदी ने कंधमाल जैसे जिलों को देश के आकांक्षी जिला घोषित किया। मैं दिल्ली से खुद यहां आके, यहां क्या काम चल रहा है, मेरे चैम्बर में एक स्क्रीन है, ऐसे आकांक्षी जिलों का काम होता है, डेली मॉनिटरिंग होता है। इसका परिणाम यह है कि कंधमाल तेजी से विकास कर रहा है। भाजपा सरकार ने यहां कई एकलव्य आवासीय विद्यालय स्वीकृत किए हैं, लेकिन बीजेडी के नेता शिक्षण संस्थानों में कब्जा करके बैठे हैं। बीजेडी के नेता यहां आदिवासियों की जमीनें हड़पने में जुटे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यहां भाजपा सरकार आएगी तो ऐसे हर माफिया पर कार्रवाई की जाएगी। भाइयों और बहनों, कांग्रेस पूरे देश में पस्त पड़ चुकी है, इसलिए जो भी बीजेडी के कुशासन को हटाना चाहते हैं वो कमल पर ही बटन दबाएंगे। याद रखिएगा, कमल है तो शांति और विकास है।
कमल है तो ज्ञान और विज्ञान है, कमल है तो हर नारी का सम्मान है, कमल है तो संकल्पों की सिद्धि है, कमल है तो सुरक्षा है, समृद्धि है, कमल है तो आत्मनिर्भरता को ताकत है, कमल है तो गौरव से भरी विरासत है, कमल है तो विजय है, विश्वास है, कमल है तो मान है, सम्मान है, स्वाभिमान है, कमल है तो प्रगति पथ पर हिंदुस्तान है। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।